बीते दिन 18 दिसंबर को कतर फीफा विश्व कप के फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना टीम ने फ्रांस को पेनल्टी शूट में 4-2 से हरा कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। आपको बता दें कि 1978 और 1986 के 36 साल बाद अर्जेंटीना ने यह कामयाबी हासिल की है। बता दें कि मेसी के फुटबॉल करियर का यह बहुत ही खास मैच था। इस मैच के दौरान मेसी ने न सिर्फ मैच जीता बल्कि अर्जेंटीना के लिए मेसी ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 7 गोल किए। ऐसा करके सर्वाधिक गोल करने के मामले में मेसी फ्रांस फुटबॉलर एम्बाप्पे के बाद दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा मेसी ने ब्राजील के पूर्व फुटबॉलर पेले 12 गोल को पछाड़कर मेसी फीफा वर्ल्ड कप में कुल 13 गोल करके सर्वाधिक गोल करने के मामले में स्वयं को 14 स्थान पर काबिज कर लिए। जानकारी के लिए बता दें, फीफा विश्व कप में कुल 2 बार गोल्डन बॉल का खिताब जीतकर मेसी पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले साल 2014 में उन्होंने यह खिताब जीता था। इस मामले में उन्होंने रोनाल्डो और नेमार जैसे खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया है। फीफा विश्व कप में कुल 26 मैच खेलने वाले मेसी अब सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। फाइनल में शानदार प्रदर्शन करने के लिए मेसी को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया है। यही नहीं, इस टूर्नामेंट में कुल 7 मैचों में उन्होंने 5 बार ये अवार्ड जीता और इस तरह से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी जीता। मेसी फीफा विश्व कप में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा 19 फीफा मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं।